बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, वो शेयर कर दूंगा एक्सचेंज रेट और बैंकों के हिसाब से। आज काफ़ी दिनों बाद आप मेरी मुस्कुराहट से अंदाज़ा कर सकते हैं कि काफ़ी दिनों बाद आज रियाल में और डॉलर में मैंने बेहतरी महसूस की। हालांकि कल भी तकरीबन 8 या 9 पैसे डॉलर महंगा हुआ है, लेकिन रियाल का रेट वही था। आज रियाल में भी बेहतरी हुई है जी। मैं आपको पहले डॉलर रेट बता दूं, जो कि आज का 218.38 रुपये है तकरीबन, आप यहां पर देख रखे होंगे स्टेट बैंक क्लोज हुआ है और आज तकरीबन 50 पैसे तकरीबन डॉलर महंगा हुआ है। और रियाल रेट के अंतर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मैं पहले एक्सचेंज रेट दिखा दूँ, जो कि 58.15 रुपये आज का एक्सचेंज रेट है जी। अभी मैं मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको रेट बता देता हूँ। मैं अगर हम इंडिया की बात करें तो 21.97 है जी, एंड बांग्लादेश टके की बात करें तो आपको 27.15 रुपये मिल जाएगा आज का रेट है जी। अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से सुन लें। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान में पाकिस्तान में अभी आप लाका चेंज करवा रहे हैं ना, तो यानी कि आप वहाँ से आ रहे हैं साथ ले हैं, तो पाकिस्तान में इस वक्त रेट आपको मिलेगा जी 59+ में हो चुका है। कल का रेट था जी 58.70 से 59 के अराउंड में, आज 59+ में रेट जा चुका है पाकिस्तान में। तो अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से रेट सुन लें जी। सबसे पहले हम बात करेंगे आज वेस्टर्न यूनियन, इनका रेट आज का 58.05 रुपये रहा और 23 रियाल इनकी फ़ीस होती है जी। अगर मनीग्राम की बात करें तो आपको 58.13 रुपये आज का रेट मिलेगा और इनकी 23 रियाल इनकी फ़ीस है। टैली मनी यानी कि ANB बैंक के मुताबिक बात करें तो आपको 57.90 रुपये आज का रेट मिलेगा और 15 रियाल इनकी फ़ीस है जी। अगर राजी बैंक तहवीर राजी की बात करें तो आपको 57.91 रुपये आज का रेट मिलेगा और 10, 17 एंड 25 रियाल इनकी फ़ीस होगी जी। अगर इंजाज बैंक की बात करें तो आपको 57.31 रुपये आज का रेट है जी और इनकी भी 10, 17 एंड 25 रियाल फीस होती है। STCP की बात करें तो आपको 57.90 रुपये आज का रेट और 17 रियाल इनकी फ़ीस है जी। एंड बैंक अल जज़ीरा यानी कि फौरी बैंक की बात करें तो वो ये आपको आज का 57.70 रुपये रेट दे रहे हैं और 10 एंड 17 रियाल इनकी फ़ीस है। अगर क्विक पे के मतलब बात करें तो 57.67 रुपये आज का रेट है और इनकी भी 10 एंड 15 रियाल फीस होती है। एक बात यहाँ पर मैं और ऐड करता चलूँ, वो ये है जी कि अगर आप अभी कुछ भाई सोच रखे होंगे दोबारा से रियाल ऊपर जाने शुरू हो चुका है, तो इसकी रीज़न ये है जी कि डार यानी कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं पिछले तकरीबन 2 दिन से, इसलिए डॉलर भी महंगा हो रहा है, रियाल के ऊपर भी असर हुआ है इस चीज़ का। तो हो सकता है जब वो वापस आए फिर से दोबारा ये गिरावट सामने हमें देखने को मिले। बहरहाल आपको अपडेट करता रहूँगा मैं।